मैं गणेश सहाय, प्रधानाचार्य दियारन इंटरनेशनल स्कूल वाराणसी, और एक सीबीएसई स्कूलों का एक संगठन है वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों का, ज्योतिर्मय सहोदिया, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। सर, बात की जाए तो आज यहाँ पे किस तरह का सम्मान समारोह रखा है? प्रतिवर्ष पूरे विश्व में 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, और यह दिवस विशेष रूप से शिक्षकों के लिए निर्धारित है। इस दिन हम शिक्षकों को उनके समाज में योगदान के लिए भी अप्रिसिएट देम और उनके कार्य को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो 5 अक्टूबर के बाद का ये प्रथम रविवार है, तो आज हमारी संस्था के ज्योतिर्मय सहोदिया के अंतर्गत जो 56 विद्यालय हैं इस संस्था में, उनके सभी सम्मानित प्रधानाचार्य और अध्यापकों का आज यहाँ पे सम्मान समारोह है, और हम लोग प्रतिवर्ष उनको एक शिक्षा विभूति सम्मान देते हैं। तो ये 2021 का शिक्षा विभूति सम्मान के लिए जिन जिन अध्यापकों का चयन किया है गया है, उन सभी अध्यापकों को आज सम्मानित किया जाएगा। कितने अध्यापक और अध्यापकों को सम्मानित किया जाएगा? 56 अध्यापकों और 56 प्रधानाचार्यों को सम्मानित किया जाना है। यूपी के लिए है कि नहीं, बनारस और इसके आसपास के मिर्ज़ापुर, भदोही और चंदौली के कुछ हैं। क्या कहना चाहेंगे इस सम्मान दिवस के और टीचरों के लिए? शिक्षक ही समाज की रीढ़ है, और शिक्षक का योगदान समाज में आपने देखा होगा, कोरोना काल में भी जब सारे विश्व में हर जगह एक तरह से लगा था कि शिक्षा व्यवस्था बंद हो जाएगी, पर शिक्षकों ने अपने आप को अपग्रेड किया, अपने आप को नई चीज़ें सीखी, और शिक्षण और अधिगम की सत्ता को, निरंतरता को बनाए रखा। चाहे वो दिन रात मेहनत करना हो, चाहे नई चीज़ें सीखनी हो, चाहे कम वेतन लेके भी दुगुना काम करना हो, और सबसे अधिक बात यह कि एक शिक्षक ही है जो सबसे ज़्यादा पंचुअल होता है। अगर उसका 7 बजे का स्कूल है, 7 ही बजे जाएगा, 7:40 पे क्लास है, 7:40 पे ही जाएगा। अन्य किसी व्यवसाय में लोग आधा घंटा लेट, 1 घंटा पहले भी जा सकते हैं, पर शिक्षक इस समाज का सबसे पंचुअल, सबसे अनुशासित व्यवसायी है। स्टूडेंटों के लिए क्या संदेश है? छात्रों के लिए कि वो अपने अभिभावकों का, अपने शिक्षकों का सम्मान करें, और उनसे जो शिक्षा ग्रहण मिलती है उनको ग्रहण करें, और तभी वो जीवन में उन्नति के पथ पर अग्रसर होंगे। और केवल शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति है जो जिसके मन में, हृदय में यह रहता है कि हमारा छात्र हमसे आज ज़्यादा तरक्की करे, और कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है, पेशा नहीं, प्रोफेशन नहीं, जिसमें लोग अपने से ज़्यादा तरक्की एक दूसरे की देखते हों। अपना पूरा परिचय बताएं। मैं अमित सिंह, एडवाइज़र GNIOT कॉलेज, ग्रेटर नोएडा, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ग्रेटर नोएडा। क्या है ये GNIT? इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसमें बच्चों को मोटिवेट करके अच्छी अच्छी जगहों पर, कंपनियों में भेजा जाता है। और कितने सालों से ये चल रहा है? 2001 से हमारा कॉलेज चल रहा है, और आज शिक्षक सम्मान समारोह का जो रखा गया है उसमें हम पार्टिसिपेट किए हैं, और हमारी तरफ से शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। क्या इसमें बच्चों को सुविधा दी जाती है? बच्चों को सुविधा दी जाती है, उनके परसेंटेज के अनुसार हमारे यहाँ बच्चों को छूट दी जाती है। हमारे यहाँ की एक बच्ची है पूजा सिंह, जो 70 लाख के पैकेज पे इस साल गई है, और पूर्वांचल में GNIOT आज किसी चीज़ का मोहताज नहीं, हर जगह है, हर जगह छाया हुआ है। तो बच्चे इससे कैसे संपर्क कर सकते हैं? कोई इनका फ्री कॉल नंबर? ये नेट पर देख सकते हैं, वेबसाइट पर देख सकते हैं, गूगल पर चेक कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं इसको हर तरह से। तो क्या कहना चाहेंगे आज के उस नौजवान बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं? नौजवान बच्चों को यही कहना चाहें कि हमारे यहाँ फैकल्टीज भी अच्छी है, पढ़ाई का वातावरण भी बहुत अच्छा है, वो हमारे यहाँ आकर के अच्छे से अच्छी जगहों पर जा सकते हैं। बच्चों को यही कहना चाहेंगे कि हरदम मन लगा कर पढ़ें, और हमारे यहाँ किसी भी एक बच्चे को नहीं होता कि जो बच्चा तेज है उसी का देखा जाता है। हमारे यहाँ हर बच्चे के ऊपर ध्यान दिया जाता है, और कोशिश की जाती है कि हर एक बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। थैंक यू।